कोशिश तो बहुत की थी उन्होंने कि मैं क्या अभी जब शादी के तो बहुत सच में कोशिश की थी उन्होंने, मतलब वो पता क्या करते बाकी वो लोगों को बोलते थे कि आप बोल के देखो एक बार आप करके देखो, सबको बोल, मेरी मेड बोल रही मुझे कह रही कर लो भैया, मैं कहा आंटी आप बहुत इंटरफेयर करते हो बस। सच में है एक मेरी मेड वो बहुत ज्यादा एक मिनट कह रही अभिषेक आपने फिर दारू पीनी शुरू कर दी, मैं कहा आंटी आपने फिर अपने काम से मतलब रखा, मैंने बोला नहीं क्योंकि उम्र बहुत बड़ी है, तो मैं कहा नहीं आंटी छोड़ना ही नहीं सही बोल रहे आप करनी चाहिए, नहीं नाश्ते में तो नहीं पीनी चाहिए, सही बोल रहे आप ये बंद कर देना चाहिए। अभिषेक मत पियो दारू, मेरा पति बहुत दारू पीता है, फिर सामान तोड़ता है, लोगों को मारता है, आपको पति दारू पीता है, हाँ हाँ बुलाओ बैठेगा भी साथ। आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था, वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था, मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था, ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये, अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। वो जब बड़ा हुआ था तो समझ आया क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है, क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं, अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके, वो भी काफी नहीं है, प्रेजेंटेशन पता कर लो, प्रेजेंटेशन पता नहीं चाहिए, सॉरी मेन वही है, वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी, कोई फायदा नहीं आपका, सारी आपने बात क्या की है डजंट मैटर, अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको। मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था, मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी, क्या क्या बोला तूने, मैं कह रिसिप्ट रिसिप्ट क्या रिसिप्ट होता गवार, जब मैंने गलती बोला था तो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था, जब रिसिप्ट बोला तो समय में आ गया ना रिसिप्ट बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन हो गई ना, हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं, फिर और जब पता लग गया क्या अब पता ये बंदा फिर भी ठीक है क्योंकि इसने मुझे मुंह पे ही करेक्ट कर दिया, ओ गवाह ये फिर भी ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मिस प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी बात कर दी आपने दैट इट्स रूड टू करेक्ट समबडी देन एंड देयर, कि हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने यार, नहीं तो ये क्या करते हैं वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपके सामने टू इनडायरेक्टली टेल यू कि देख ये ऐसे था, जैसे वो पार्किंग में तुझे रिसिप्ट दी, क्या हाँ उसने मुझे रिसीट दे दी अच्छा मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली। यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है मतलब, पर हमारे किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं, मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं, ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे, हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के। ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी, वी ब्रोक अप बट इट वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई डोंट डिजर्व हर, वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप, एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे, जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना, मैं कहा होते हैं कहीं तो बना फिर, मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ, क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा, अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी, गॉड्स आर नॉट सेइंग एनीथिंग, देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट दिस ड्राइव टू रिमेंबर लेटर, तो मैंने खंभे में गाड़ी ठोक दी। मैंने
कहा पक्का याद रहेगी हमें। याद है वो पल जब छाती में स्टेरिंग घुस गया था। हाय वो आईसीयू का वार्ड भुला ही नहीं भूलता। मुंबई वाला की सीन चल रहा है यार ये सच में। मुझे तो सच में मुंबई में बहुत बड़ी गलती कर दी थोड़े दिन पहले। मैं कहना मुंबई में अपनी कार ले आए क्योंकि यही तो कमी है मुंबई में गाड़ियों की। जब से लेके गया हूँ लाइफ फक हो गई है पूरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई में सारे कबूतरों का पेट खराब है। पता है आपको ये बात? वो सिर्फ गाड़ियों पे हकते हैं, वो गाड़ियां ढूंढ ढूंढ के हकते हैं। क्यों सेंट्रो मिल के थोड़ा सेंट्रो पे हक लिया, चलो और कोई गाड़ी लो। ओ मर्सिडीज आज तो फील ही आ गई। सड़कें साफ पड़ी हुई हैं, सिर्फ गाड़ियां गंदी हैं। तो जैसे मैं गाड़ी लेके आया ना, कबूतर खुशी हो गए, कह रहे हो गृह प्रवेश कर दे इसका। ए वेलकम टू मुंबई। मैं लाल गाड़ी थी, हगक के सफेद कर दी उन्होंने। और इतना स्ट्रेटेजिकली हगा है, उन्होंने प्लान करके हगा। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा कि हैंडल पे हक दो दरवाजा ना खोल पाए, विंडस्क्रीन पे हक दो कुछ दिखे ना इसको, वाइपर पे हक दो साफ करने जाएगा बेंच और मरेगा ये। बहुत गंदी गलती थी गाड़ी सच में यार। मैं उसको रुक गया सर्विस स्टेशन धुलवाने के लिए। मैं कह गाड़ी दो दो, कह रहे 10,000 रुपए लगेंगे। मैं क्या हो गया गाड़ी 500 धुलती है भाई, क्या हो गया? कह रहे देखो तो गाड़ी क्या है ये, देखो इसे जरा, इसको पहले घर से थोड़ा आप धो के लाओ। मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो PVR में नहीं गया, मैं उसमें गया, वो सिनेमा हॉल नहीं होता वो सिंगल स्क्रीन। हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपके गान के नीचे। और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेस को उसकी तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो बट उन्होंने फिर ऑफकोर्स निकाल दिया और मैंने भी छोड़ दिया। मैं हाँ हाँ ठीक है, बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं कोई फुद्दू नहीं हूँ। मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं, कॉन्फिडेंस। तो वहाँ से मैं निकाल दिया, तो मैं कहा ठीक है अभी घर चलते हैं आराम से, अब थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी नौकरी चलेगी। मैं फ़र्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए, तुमने ऐसे टेंशन में तो कह रहे सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी। कह रहे कर लो कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ एक बार देख लो बस। तो दलाल जैसी बातें नहीं। पापा को नहीं अच्छा लगा जो किया बना। मैं सच में बोल दिया बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, 4 दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। मेरी माँ मुझे फोन करें क्या बोलते हैं पापा को। वो काम छोड़ चुके हैं अब। इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली, ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है। क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है वो। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है, बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में, अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो, निकाल लिए दिखाओ जरा इधर। हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी, तुम वो मर्डर कर रहे मैं ही हूँ। टफ डे एट वर्क।
ये पता है ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे, पुलिस की गाड़ी फट गई, क्या करेंगे। ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार। तो नहीं पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया, तो पता नहीं क्या किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो सबको, जरा निकालो सबके फोन रिकॉर्ड्स, इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं पहले तुम्हें। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं, तुम हो मर्डर? मैं तो नहीं हूँ। क्या तार तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। जो एम्पैथी मैं चाहिए नहीं, जो भी है और बहुत कुछ था, बट मैं तो बोला कर डूड इट विल हेल्प यू बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती आज, ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होता। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड के लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा है दारू पी के, मैं कहा आर यू वॉमिटिंग, कर आई एम प्यूकिंग, मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते हैं, और तू बच्चे उल्टी कर रहा मुझे इंग्लिश सिखा रहा है, चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया, बोर हो गया इस वर्ड से, ये कौन है, ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट यार, 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड लाओ, क्या दोबारा वॉमिट सुन लेना वॉमिट ही आ जाएगी हमें, हमारे नखरे हैं नया वर्ड, कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से, पूरी स्पीसीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस। उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी, और पहले तो मेरे बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता, सच में वो दादाजी रात के 3 बजे से सुबह हो गए, मैं सो जा आप यार। क्या कर रहे हैं आप, हम सोने जा रहे हैं अभी, नहीं नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे, इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो इधर लाओ, जाओ बाद में मिलेंगे सो जाओ चुपचाप। खैर उसमें दिखाया कि उसका बाप सुबह का टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी, सच में बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है, ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे, और इसके पापा क्या बोल रहे हैं, ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है, क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो। मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला, वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। पर ड्रामा बनाने का पॉइंट पता क्या है, कि देखो यार मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं 2, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल,